अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया के सबसे खराब एनवायरनमेंट में से एक माना जाता है क्योंकि अमेजन में सबसे घातक जानवर है। दोस्तों आज हम अमेजन की 5 डेडलीस्ट एनिमल के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 हार्पी ईगल। इसकी पंख 7.5 फीट तक की है और शरीर की लंबाई 40 इंच तक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रेप्टर या शिकार का पक्षी है। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के हार्पाइस को रिफर करता है। एक मानव चेहरे के साथ एक पक्षी के रूप में राक्षस। इसमें कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 इंच की लंबाई होती है। ये पौधों का इस्तेमाल करता है ताकि बड़ी संख्या में स्लॉथ बंदरों, मैकोस, सांप और अन्य बड़े वन पशुओं का शिकार किया जा सके। असल में वे जंगलों में चलने वाली बड़ी चीजों का शिकार करेंगे और खाएंगे। बड़ा ईगल वे जितना शिकार करते हैं उतना बड़ा होता है। इस सूची में कई अन्य जानवरों की तरह हार्पी ईगल एक उच्च शिकारी है। इस वजह से वे मनुष्यों से डरता नहीं है। दुर्भाग्य से ये इस खूबसूरत पक्षियों को शिकारों के लिए आसान बनाता है। वर्तमान में वनों की कटाई और शिकार के कारण हार्पी ईगल की निकट खतरे की सूची है। नंबर 4 पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पॉइजन डार्ट फ्रॉग न केवल दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है बल्कि वे सबसे जहरीले कोषरोगी है। बैट्रा चोटॉक्सिन नामक जहर एक अत्यंत शक्तिशाली होता है जो हार्ट और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। एक एडल्ट फ्रॉग 10 लोगों को अच्छी तरह से मारने के लिए पर्याप्त जहर ला सकता है। उन्हें पॉइजन डार्ट फ्रॉग या कभी कभी पॉइजन एरो फ्रॉग कहा जाता है क्योंकि मूल निवासी फ्रॉग को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्हें अपने ब्लोगन डार्ट को कोट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जहर एक वर्ष तक के लिए शक्तिशाली रहता था। पॉइजन डार्ट फ्रॉग वाइब्रेट रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं जिनमें येलो, गोल्ड, क्रॉपर, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक रंगों के होते हैं। उज्जवल रंग और पैटर्न संबंधित शिकारियों के लिए उनके विषों के रूप में काम करता है। हालांकि वे रेन फॉरेस्ट में शासन करते हैं वे शायद ही कभी एक शिकारी के भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। नंबर 3 ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन मगरमच्छ परिवार से संबंधित एक बड़ी मांसाहारी रेप्टाइल्स है। ब्लैक कैमन के 6 विभिन्न प्रकार होते हैं। हालांकि ब्लैक कैमन लंबाई में 13 से 20 फीट के बीच बढ़ती है। ये दुनिया में सबसे बड़ी मगरमच्छ प्रजातियों में से एक बना देता है। वे आमतौर पर अमेरिकी मगरमच्छ के समान दिखते हैं। वे काले हैं लेकिन वे गहरे रंग नहीं है। वो भी छोटे होते हैं, अधिक पॉइंटेड स्नॉट के साथ लंबे और तेज दांत वाले हैं। इन लंबे दांतों को पकड़ने और शिकार करने के लिए आदर्श होते हैं क्योंकि वे उन्हें पानी के नीचे डुबोते हैं। ब्लैक कैमन आमतौर पर अपने भोजन को पूरी तरह से निगल लेता है। अपने काले तराजू के कारण ये अमेजन के चारों ओर पानी में अच्छी तरह से मिश्रण करता है। ये आमतौर पर मछली या छोटे स्तनधारियों के लिए शिकार करता है। कभी कभी कैपिवारा, हिरण या सुअर जैसी को शिकार करता है। हार्पी ईगल की तरह ब्लैक कैमन में कुछ प्राकृतिक शिकारी होते हैं जिससे ये उच्च शिकारी बन जाता है। दुर्भाग्य से वे अक्सर मनुष्यों द्वारा कृत्रिम कपड़े और विभिन्न उपसाधन में इस्तेमाल की जाने वाली उनकी बहुमूल्य त्वचा के लिए शिकार करते हैं। एक समय में वे एक लुप्तप्राय प्रजाति थे लेकिन उनकी आबादी बढ़ रही है जिसके उनकी लुप्तप्राय स्थिति को हटा दिया जा रहा है। नंबर 2 जगुआर। जगुआर सबसे बड़ी बिल्ली है न केवल दक्षिण अमेरिका में बल्कि पूरी पश्चिमी गोलार्ध में है। जगुआर की लंबाई 4 से 6 फीट होती है जो कि वजन 100 से 250 पाउंड के बीच होते हैं। वे एक सेठ और शक्तिशाली बड़ी बिल्ली है। जगुआर नाम वास्तव में मूल अमेरिकन शब्द यागुआर से आती है जिसका अर्थ है वो जो एक छलांग में मारता है। ये एक विशेष रूप से परफेक्ट नाम है जिसे जगुआर शिकार के लिए पैरों में चढ़ने के लिए जाना जाता है। शिकार को मारने के बाद वे उसके शरीर को खाने के लिए उसके शरीर को खींच लेंगे। अक्सर जंगली शिकार के अलावा मछली, कछुए और कैमन भी खाते हैं। नंबर 1 ग्रीन एनाकोंडा।
एनाकोंडा शब्द को सुनकर पहली बात जो दिमाग में आते हैं वो एक भुला हुआ 90 दशक की फिल्म। लेकिन फिल्मों में नकली होने के बावजूद ग्रीन एनाकोंडा वास्तव में घातक प्राणी है। हालांकि जमीन पर धीमी गति से चलती है मगर पानी में फुर्तीली और खतरनाक है, तो ये केवल समझ में आता है कि वे दलदल और अमेज़न की धाराओं में अपना घर बना देता है। 20 से 30 फीट के बीच लंबाई और 200 से 500 पाउंड के बीच वजन है। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हरा एनाकोंडा न केवल सबसे लंबे समय तक है बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा सांप है। सरसों की तरह उनके आंखें और नाक उनके माथे के ऊपर स्थित है, जिससे वे लगभग पूरी तरह से छिपे हुए पानी के नीचे शिकार करते हैं। इसके अलावा उनके हरे रंग के साथ काले और पीले रंग के धब्बे के साथ वे स्वाभाविक रूप से छिपे सकते हैं। ग्रीन एनाकोंडा कर्ण रोधक होते हैं। वे खुद को पूरी तरह से निगलने से पहले दबाने के लिए बड़े शिकार के आसपास लपटते हैं। वे आमतौर पर मछली, पक्षियों, कोपीवरा, हिरण का शिकार करते हैं।